उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने यूकेडी के पूर्व विधायक स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी की 20वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही चिंतन गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए विपिन त्रिपाठी को मजबूत निर्णय क्षमता वाला राजनेता बताया। कहा कि वे जन सरोकारों से जुड़े समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले नेता थे। उनके चले जाना प्रदेश सहित उक्रांद के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकारें अभी तक यह तय नहीं कर पा रही हैं कि राजधानी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए या नहीं। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम सब लोग यहाँ उनको नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और जैसा सवाल आपने किया कि कोई जिस व्यक्ति की पुण्यतिथि या जन्मदिन मनाया जाता है उसको याद किया जाता है, तो उनके क्या कार्य थे और उनका समाज के लिए क्या सपना था, कैसा समाज बने, इस आधार पर उन पर चर्चा की जाती है। तो जहाँ तक त्रिपाठी जी की पृष्ठभूमि का प्रश्न है, सब लोग जानते हैं कि वो समाजवादी धारा से ओतप्रोत थे, समाजवादी सरोकारों से वो पूरे तरीके से ताउम्र उनके साथ जुड़े रहे। और उसके बाद एक युवा विपिन त्रिपाठी, जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई, लोकतंत्र दूसरी आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें सबसे अधिक जेल रहने वाले लोगों में रहे, क्षेत्र के विकास के लिए भी तत्पर रहे। और जब उत्तराखंड क्रांति दल में आए तो कैसा उत्तराखंड हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए, ये परिकल्पना दल के साथ साथ त्रिपाठी जी का उसमें बड़ा योगदान था। और हमारा प्रदेश में एक संतुलित समृद्धशाली समग्र प्रकार से ये उत्तराखंड बने, इसके लिए गैरसैंण राजधानी का जो सपना था, आप जानते हैं उत्तराखंड, ये अभी मैं चर्चा भी कुछ दिन पहले हो रही थी कि उत्तराखंड क्रांति दल ही एक ऐसा दल था जिसने कोई रूपरेखा कैसा राज्य बनना चाहिए, चाहे गैरसैंण की बात हो और पर्वतीय राज्यों के अनुरूप यहाँ भू कानून बने, पलायन के दंश को रोका जाए और जो भ्रष्टाचार है, जो आम आदमी के लिए जो योजनाएं बनती हैं वो बड़े कुछ लोगों की जेब में जो पैसा जाता है उसको रोकने की बात थी।